गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे परमेबिलिटी यानी पारगम्यता। आइए हम जानते हैं पारगम्यता यानी परमेबिलिटी किसे कहते हैं। किसी पदार्थ का यानी किसी मेटल का जीवित कोशिका में प्रवेश करना, जीवित कोशिका यानी लिविंग सेल में प्रवेश करना या कोशिका से बाहर आना कोशिका कला की पारगम्यता पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी किसी पदार्थ यानी किसी मैटर का लिविंग से जीवित कोशिका में प्रवेश करना या कोशिका से बाहर आना कोशिका कला यानी सेल मेम्ब्रेन के पारगम्यता यानी परमेबिलिटी पर निर्भर करता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले है पारगम्यता यानी परमेबिलिटी मेम्ब्रेन। ऐसी कला यानी ऐसे मेम्ब्रेन जिनके द्वारा विलायक यानी सॉल्वेंट के कण यानी पार्टिकल्स जैसे जल तथा विलेय के कण दोनों प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि ऐसी कला जिसमें विलायक के कण तथा विलेय के दोनों प्रवेश कर जाते हैं उसे हम पारगम्य कला यानी परमेबिलिटी मेम्ब्रेन कहते हैं। देखिए, ऐसी कला यानी ऐसी मेम्ब्रेन जिनमें विलायक के अणु यानी सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रवेश कर जाते हैं तथा विलेय के जो अणु यानी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रवेश नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम अर्धपारगम्य यानी सेमी परमीएबल कहते हैं। अपारगम कला यानी परमेबल मेम्ब्रेन, ऐसे कला जिनमें न तो विलायक के कण और न ही विलेय के कण यानी दोनों के कण जो होते हैं पार्टिकल्स होते हैं वो इस मेम्ब्रेन के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते जिसे हम अपारगम कला कहते हैं। ऐसी कला जिनमें कुछ पदार्थ तेजी के साथ प्रवेश करते हैं तथा कुछ पदार्थ जो होते हैं वो बहुत धीरे धीरे प्रवेश करते हैं, इसे हम भिन्नात्मक पारगम्य कहते हैं।
ये हम आज के बारे में बताएंगे, परमेबिलिटी। अगले दिन इसके सिद्धांत पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे।